देख सकते हो इधर मम्मी लौकी को धो रही हैं और पापा भर रहे हैं पन्नी। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हो हम गंगा की तरफ घूमने के लिए आए हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग यात्री लोग स्नान करने के लिए आए हैं। ये देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी लोग स्नान करने के लिए आए हैं, बाहर बाहर से कई दूर दूर से आए हैं। ये देख सकते हो नरोरा गंगा जी है ये और काफ़ी ज़्यादा मस्त यहाँ पर मौसम हो चुका है। देख सकते हो ये काफ़ी दूर तक आपको गंगा जी देखने के लिए मिलेंगी और देख सकते हो और काफ़ी यहाँ पे मेला लगा हुआ था। अभी तो काफ़ी लोग चले गए हैं, अभी कुछ लोग रह गए हैं देख सकते हो। अभी तो अभी काफ़ी ज़्यादा अभी भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देख सकते हो सारे स्नान करने के लिए आए हैं नरोरा गंगा घाट पर। देख सकते हो जितने भी लोग रेलिंग पर खड़े हुए हैं काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं ये देख सकते हो, और रेलिंग पे खड़े होकर गंगा के दर्शन करते हैं ये देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू आता है यहाँ से रेलिंग पे खड़े होने के बाद। ये देख सकते हो रेलिंग पे यहाँ पे ये लोग खड़े हैं तो, और जो भी यहाँ पे आएगा फ़ोटो ज़रूर खिंचवाए क्योंकि ये फ़ोटो पॉइंट भी माना जाता है। ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लग चुकी है देख सकते हो रेलिंग पे आप एक बार, और इधर से लोग काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं दोस्तों। देख सकते हो ये मेले वाले काफ़ी लोग यहाँ से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और देख सकते हो, और जो नहर है काफ़ी तेज़ नहर चल रही है तो आप देख सकते हो अगर इनका पैर फैर फिसल जाए तो ये गिर सकते हैं इस नहर में। ये देख सकते हो इन्हें वैसे यहाँ पे फ़ोटो नहीं खींचने चाहिए। ये देख सकते हो और भी निकल रहे हैं इधर से। दोस्तों देख सकते हो नीचे जो घास है तो सुबह सुबह इसमें ओस पड़ती है तो सुबह अच्छा रहता है ओस में चलना। तो अभी हम थोड़ी देर इसमें घास में टहलते हैं और देख सकते हो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ओस पड़ती है घासों पे। तो देख सकते हो अभी हम थोड़ी देर ऐसी सुबह को टहलते हैं घास पर तो काफ़ी अच्छा लगता है, शरीर के लिए फ़ायदेमंद है ये देख सकते हो। तो अभी नहा के पूजा वगैरह करके तो अभी चाय आ चुकी है सुबह की, आप देख सकते हो चाय, और चाय पी के आपसे फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी हम खेत पे आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं हमने कुछ जहाँ जुगाड़ किया है। ये देख सकते हो ये बोतल टांगी हुई है, क्या कोई जानवर आए तो इससे आवाज़ सुन के भाग जाए। देख सकते हो इधर एक बोल टांगा है और ये कुछ पाउच हैं जो नमकीन वगैरह के होते हैं। तो देख सकते हो हवा चलती है तो ये कुछ इस तरह बजते हैं तो जानवर खेत में होते हैं तो इसकी आवाज़ सुन के भाग जाते हैं और इन नारों को भी ऊपर कर देते हैं हवा से, ये नीचे को गिर जाते हैं तो इन्हें हम जाल पे पहुंचा देते हैं देख सकते हो। और इधर भी आपको दिखाएंगे ये देख सकते हो काफ़ी नार नीचे गिर गए हैं लौकी के क्योंकि हवा रात में काफ़ी तेज़ चलती है तो उससे ये नीचे गिर जाते हैं। इन्हें रोज़ देखना पड़ता है नारों को कौन सा नार नीचे गिरा है कौन सा नहीं, ये देख सकते हो ऐसे का आपको ये मिलेगा तो इसे जाल के ऊपर नो करके चढ़ाया जाता है ये देख सकते हो आप। तो देख सकते हो दोस्तों इसमें लौकी हमने कुछ खेत में से काट ली है और इधर रखी है तो आप देख सकते हो, और इधर पन्नी ले लिए इसमें भरी जाएंगी और ये दो बाल्टी पानियों में धो के लौकियों को भरते हैं बढ़िया तरीक़ा से साफ करके। तो अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से भरते हैं। तो आप देख सकते हो इधर बाल्टी में पानी है तो इससे लौकी को धो के फिर उसमें पन्नी में भरते हैं और देख सकते हो लौकी, और ये देख सकते हो लौकी काट के हमने इधर रख ली है कुछ इतनी सी, और आपको देख सकते हो एक बाल्टी में पानी इधर है और एक इधर है सपा पानी हम भर के लाए हैं और इस प्रकार से धोते हैं फिर पन्नी को भरा जाता है ये देख सकते हो इस तरीके से। देख सकते हो इधर मम्मी लौकी को धो रही हैं और पापा भर रहे हैं पन्नी में और मैं पकड़ाऊँ पन्नी को, ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से लौकी भरी जाती हैं। ये देख सकते हो दोस्तों इस प्रकार से लौकी कुछ भरी जाती हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को। तो देख सकते हो दोस्तों जीवारी पन्नी एक बन के तैयार हो गई है, अब जो सुबह को मार्केट में ले जाएंगे बेचने के लिए तब आप दूसरी वीडियो में देखना। अभी खेत पे से जा रहे हैं घर पर और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।